हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका द मार्ग एकेडमी में। आज हम लोग फिर से क्या लिखे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 पार्ट थर्ड। इसका दो वीडियो अपलोड हो चुका है, आपका दो वीडियो आप देख चुके होंगे। इसका तीसरा वीडियो में हम लोग देखेंगे आज, यानी कि उस दो वीडियो में 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर के 4 नंबर तक कम्प्लीट हो चुका है। इसमें हम लोग 5 नंबर के 5 को, इसमें कुछ सवाल बाकी है, आई थिंक 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 6 प्रॉब्लम्स है। आज इस वीडियो में हम लोग उसको कंप्लीट उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, पूरा आज कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, और उससे पहले हर दिन के भांति फिर से आप कॉपी और पेन निकाल के बैठिए। जैसे सवाल को सॉल्व करेंगे आप लिखेंगे उसको, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम लोग मिल के सीखें और सिखा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज इसमें क्या कह रहा है सवाल, इसका 5 का 5 नंबर सवाल कहता है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए, ये लाना है आपको। तो इसको सिंपली हम क्या करेंगे, पहले LHS को लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, LHS। LHS में आपका क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ऐसा कुछ है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे ये कॉस ए, ये जितने भी टर्म है न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे, उसको साइन ए से डिवाइड लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ए से डिवाइड लगाना है, माइनस ये साइन ए तो है ही, फिर इसमें भी हम लोग साइन ए से डिवाइड लगाएंगे, और ये भी हो जाएगा आपका साइन ए होल बाय, ये फिर से हो जाएगा आपका कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए और माइनस 1 बाय साइन ए, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, ये कॉस ए बाय साइन ए आपका बन जाएगा कॉट ए, माइनस साइन ए बाय साइन ए हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय साइन ए हो जाएगा कॉसेक ए बाय, ये फिर से आपका हो जाएगा कॉट ए प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा कॉसेक ए। हम इसे थोड़ा सा अरेंज करेंगे, वो क्या अरेंज करेंगे, ये देखिए कॉट ए ये इधर है प्लस में कॉसेक ए, उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं कॉसेक ए, और ये माइनस में 1 उधर है तो उधर कर देंगे। अब हम बात करते हैं, ये आपका हो गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ऐसा कुछ हो गया। अब दोबारा आगे मूव करते हैं हम लोग, आगे क्या कहता है, अब ये जो कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इस 1 के जगह पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे। हाँ, तो इसके जगह पे क्या लिखना है, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और बटा में नीचे ये जो है इसको एज इट इज लिख देंगे हम लोग, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ देखिए ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, ये एज इट इज रहेगा ही, इसको ऐसे ही लिख देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब हम इसमें चेंजिंग क्या करना है, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, इस फॉर्मूला को भी हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे जगह ऐसा होता है जहाँ पर एलजेब्रा का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है आइडेंटिटीज़ का। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ऐसा कुछ हो जाएगा, और नीचे में जो है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब हम आगे बात करते हैं, ये आपका देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक है और ये पूरा एक है, दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है। हम क्या देख रहे हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए दोनों में कॉमन है, हम कॉमन ले लेंगे। अब हमारे पास क्या बचता है, इसमें से ये कंप्लीट टर्म्स को कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1, अब बचेगा माइनस ये बचेगा,
यहाँ देखें ये बचेगा, तो माइनस से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा ये कॉसेक ए प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा कॉट ए, और होल बटा हो जाएगा यहाँ पे कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। अब कुछ दिख रहा है क्या विनोद? हाँ देख रहे हैं ना विनोद कैसे फॉर्मूला अप्लाई होता है। चलिए तो हम क्या देखते हैं, ये वन प्लस में है, वन प्लस में है, कॉसेक माइनस में है, कॉसेक माइनस में है, कॉट प्लस में है, कॉट प्लस में है, तो इसको देखो विनोद ये कटेगा। हाँ तो अब हमारे पास क्या बचा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए क्या लाना है इसको, आप ये दोनों प्लस में ही हैं तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू क्या निकल गया आपका RHS। ये देखिए सवाल प्रूफ हो गया, हम साइड हो जाते हैं, आप सवाल को लिखिए, तो देख रहा है ना विनोद सवाल कैसे सॉल्व होता है, आसान है कि नहीं, हमको लगता है बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं, ये सवाल आप लिखिए और शुरू करते हैं हम लोग इसका दूसरा सवाल, फाइव का सिक्स नंबर। क्या कहता है सवाल, अंडर रूट में है, ये रूट दोनों के लिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के लिए, वन प्लस साइन ए बाय वन माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला कैसे क्या, देख रहा है ना विनोद फॉर्मूला कितना इस्तेमाल करना पड़ रहा है, भाई फॉर्मूला याद रखो नहीं तो फिर दिक्कत होगा, नहीं तो एग्जाम हॉल में जाओगे तो पता वहाँ पर याद आएगा, काश हम याद किए होते, काश रिविज़न किए होते, काश प्रैक्टिस किए होते घर में, तो अभी विनोद याद नहीं आता, तो इसलिए विनोद को याद किए बगैर हम लोग चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को। तो पहला इसका LHS क्या कहता है वो देखते हैं, LHS इक्वल टू है अंडर रूट वन प्लस साइन ए बाय वन माइनस साइन ए। अब क्या करते हैं, ये वन प्लस साइन ए बाय वन माइनस साइन ए इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता है, तो ये वन माइनस साइन ए है तो क्या बन जाएगा इसका कॉन्जुगेट, वन प्लस साइन ए बाय वन प्लस साइन ए। अब ऊपर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या विनोद बार बार लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक ही चीज़ बार बार बोलें अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि वन का स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, कोई दिक्कत, और ये भाई साहब तो हमेशा रहेगा, अभी चलता रहेगा हमारे साथ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, ये रूट एक एक स्टेप को हम लिख रहे हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं ताकि आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। इसको दोबारा लिख सकते हैं वन प्लस साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर, इसके ऊपर में भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, और ये रूट, अब ये आपका रूट और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल कटेगा, क्या विनोद, अब हमारे पास क्या बच गया है, वन प्लस साइन ए बाय कॉस ए। तो अब ये जो डेनोमिनेटर में कॉस ए है ये दोनों के लिए है, वन के लिए भी है और साइन ए के लिए भी है, तो हम इसे लिखेंगे वन बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। तो वन बाय कॉस ए क्या फॉर्मूला होता है, वन बाय कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए, एंड साइन ए बाय कॉस ए इज इक्वल टू टेन ए। इस दोनों फॉर्मूला को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका सेक ए प्लस ये हो जाएगा टेन ए इज इक्वल टू आर एच एस, प्रूव्ड ये हो गया। तो चलिए हम साइड हो जाते हैं और इस सवाल को आप लिखिए, क्या बोले, देख रहा है ना विनोद कैसे बार बार फॉर्मूला लिखना पड़ता है, याद करता ही नहीं कोई, तो चलिए आप याद कीजिए और लिखते हैं इस सवाल को। सेवन्थ नंबर का क्वेश्चंस क्या कहता है, तो हम फिर से हम वही करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, LHS से स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका ये, साइन थीटा माइनस टू
साइन क्यूब थीटा बाय टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम ऊपर में क्या देख रहे हैं कि दोनों जगह साइन थीटा है, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा वन माइनस और ये बचेगा टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे में इस दोनों में कॉस थीटा है तो कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बचेगा। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे, बहुत इजी है। क्या इजी है? साइन थीटा वन माइनस टू, ये साइन स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। क्या भी नो, बार बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमको। हाँ चलिए नेक्स्ट, अब क्या कहते हैं यहाँ पे, कॉस थीटा इंटू जो नीचे में है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, उसको एज इट इज लिख देना है, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, क्या करेंगे यहाँ पे साइन थीटा, ये इसको हटाएंगे ये स्मॉल ब्रैकेट को, वन माइनस टू इंटू वन माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में कॉस टू, तो हम छोड़ ही दिए विनोद के लिए, कॉस स्क्वायर थीटा और बाय कॉस थीटा इंटू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब आगे मूव करते हैं, वो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा, साइन थीटा और ये प्लस में है टू कॉस स्क्वायर थीटा, थोड़ा हम इसको पहले लिख लेते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा और वन माइनस टू इज इक्वल टू क्या बनेगा माइनस वन, और नीचे में फिर से क्या है भाई साहब, कॉस थीटा इंटू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम न्यूमरेटर को चेंजिंग किए, बदलना जरूरी है, चेंजिंग इज रूल ऑफ नेचर, हमारे बिहार में देखिए नीतीश कुमार रोज बदल जाता है बेचारा, तो इसलिए बदलने से नहीं डरना है, जीवन में बदलाव लाना पड़े तो बदलाव लाइए, क्योंकि बिना बदलाव का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बदलाव बहुत जरूरी है। देखते हैं अब चाहे यहाँ पे बदलाव नहीं करेंगे, चेंजिंग नहीं लाते, सवाल बनता क्या हमारे पास, चलिए इसको देखते हैं फिर हम बदलाव पे चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो ये भाई साहब कट गया, तो क्या आ गया, ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा, फॉर्मूला लिख देते हैं हम यहाँ पे, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्या विनोद, बार बार फॉर्मूला लिखाना पड़ रहा है हमको, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको हम लोग RHS। तो क्या देखें, बदलाव बहुत जरूरी है, बदलाव का कितना इम्पोर्टेंस है जस्ट आप इमेजिन कीजिए। हम लोग एक बात एग्जांपल लेते हैं, आप अभी टेंथ क्लास में हैं, कभी ना कभी तो वन क्लास में होंगे, टू में होंगे, थ्री क्लास में होंगे, फोर क्लास में होंगे, फाइव क्लास में होंगे, क्या वन क्लास में फर्स्ट क्लास में स्टैंडर्ड वन में जितना मेहनत करते थे, जितना पढ़ते थे, जितना देर आपको लगता था होमवर्क कंप्लीट करने में, लर्न करने में, क्या फाइव क्लास में भी टाइम ड्यूरेशन वही था क्या? नॉट पॉसिबल है, संभव नहीं था। आपका एज बढ़ा, क्लासेस इंक्रीज किया, तो आपका जो स्टडी टाइम ड्यूरेशन है वो भी इंक्रीज किया, वो बढ़ा, तो परिवर्तन जरूरी है। क्या आफ्टर फाइव कंस्टेंट हो गया क्या? नो, फाइव के बाद आज आप टेंथ में हैं, तो क्या फाइव क्लास में होमवर्क करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, नोट्स तैयार करने के लिए, फेयर करने के लिए जितना टाइम ड्यूरेशन लगता था, आप जितना सेल्फ स्टडी करते थे जितना टाइम, क्या टेंथ में भी उतना टाइम कर लेंगे तो टॉपर्स की लिस्ट में आ जाएंगे? पॉसिबल नहीं है। तो चेंजिंग जरूरी है बहुत, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अपने अंदर में चेंजिंग आना चाहिए, चेंजिंग नहीं लाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि चेंजिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है, चेंजिंग नेचर्स का रूल है, चेंजिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक छोटे से सीड्स को, बीज को लीजिए और मिट्टी में डाल दीजिए, एंड उसको कोई भी किसान या कोई व्यक्ति देखता है दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन, एक सप्ताह, यदि वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, न्यू बेबी प्लांट्स उसमें से ग्रो नहीं कर रहा है, तो लोग क्या कहता है उसको, सीड्स खराब है, बीज वो खराब है, इसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है कि नया पौधा ग्रो कर सके, इसलिए चेंजिंग का होना जरूरी है। आप यदि चाहते हैं कि आपको लोग वैल्यू करें, आपका आपके अंदर में इम्प्रूवमेंट आए, आप सक्सेस पाएँ, तो चेंजिंग का होना बहुत ज़रूरी है। कोई बात नहीं, चेंजिंग पे कभी कभी कुछ लोग हंसते भी हैं,
कुछ कमेंट भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारे बिहार में देख लीजिए, नीतीश कुमार, उनको मुख्यमंत्री बनना रहना होता है तो कभी बीजेपी के साथ में, कभी लालू यादव के साथ में, ये चेंजिंग चलते रहता है। अब उनका विचार आ गया कि भाई क्या, जस्ट आई वॉन्ट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब उनकी इच्छा है कि प्रधानमंत्री बनना है तो फिर से लालू यादव, मुख्यमंत्री बनना है तो बीजेपी। तो ये परिवर्तन होते रहता है, कुछ ना कुछ यदि बनना है तो परिवर्तन चाहिए। तो चलिए इसी प्रकार से हमें भी परिवर्तन करना है, तो देखते हैं हम लोग 5 के 8 नंबर में। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 + 10² a प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये अब इन सवाल को बनाने के लिए, प्रूफ करने के लिए इन फॉर्मूलाओं का यूज किया जाएगा, हम इस बात पहले ही लिख दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कहता है, LHS इसका है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये आपका LHS है। तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये फॉर्मूला। क्या विनोद, याद है फॉर्मूला? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका ए, ये हो गया बी, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस, ओ थोड़ा मिस्टेक्स हो गया, आप लोग ध्यान दिए नहीं विनोद के चक्कर में, कॉसेक होगा, कॉसेक ए का होल स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में हो जाएगा टू ए बी, यानी कि टू इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, ये इसका हो गया। फिर से ए और इसको बी मान लेते हैं, यहाँ प्लस का साइन वो आ जाएगा, फिर दोबारा करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए इंटू सेक ए, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं उसको थोड़ा देखते हैं, कुछ चीज़ों को एक साथ लाएंगे, ये साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद यहाँ पे है कॉसेक स्क्वायर ए और यहाँ पे है सेक स्क्वायर ए, और उसके बाद प्लस में है क्या, यहाँ देखिए साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू वन एंड कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू वन, इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखिए ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक वन हो जाएगा, वन इंटू टू क्या बन जाएगा टू, प्लस इसमें भी ये वन हो जाएगा, वन इंटू टू क्या हो जाएगा टू, क्या बात है। अगेन देखते हैं ये फॉर्मूला क्या होता है वन, चलिए फिर से ले लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा वन प्लस टू प्लस टू फोर, क्या बात है, अरे भाई आप लोग तो एक्सपर्ट हैं। और कॉसेक स्क्वायर ए इसमें से क्या बन जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, और प्लस सेक स्क्वायर इसमें क्या हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अगेन करते हैं वन प्लस फोर फाइव प्लस वन सिक्स प्लस वन सेवन प्लस ये टेन स्क्वायर ए प्लस ये कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू आर एच एस, क्या विनोद परिवर्तन जरूरी है, देखिए ये सवाल कैसे 7 नंबर में परिवर्तन आ गया। तो ये था आपका 8 नंबर का सवाल, तो चलिए हम अब देखते हैं नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चंस क्या कहता है। कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/10a प्लस कॉट ए, ये आपको प्रूफ करना है। तो इस सवाल को प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, LHS एंड RHS दोनों को इंडिविजुअल लेके चलेंगे, क्या करेंगे दोनों को इंडिविजुअल, एक एक दोनों को लेके चलेंगे एंड दोनों को यहाँ आकर के क्या करना है LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो चलिए पहले हम लोग क्या लेके चलते हैं, इसका LHS क्या है, LHS भाई साहब को लिखते हैं cosec a माइनस साइन ए और इंटू में है sec a माइनस cos a। तो हम लोग थोड़ा सा परिवर्तन लाएंगे नीतीश कुमार की तरह, इस कॉसेक ए क्या बन जाएगा ये साइन ए, और माइनस ये तो ऑलरेडी है साइन ए,
इनटू में इसको भी लाएंगे वन बाय कॉस ए माइनस कॉस ए, ये भी भाई साहब ऑलरेडी है। तो अब क्या करते हैं, इसका सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। एलसीएम साइन ए वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ये एक साथ हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा, ये आपका कॉस ए वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। कमेंट में ये मत पूछेगा कि ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कहाँ से आया, तो बोलेंगे ये प्रयागराज से आ गया, हाँ घूमने गया था कुछ दिन पहले। अब क्या करते हैं, इस दोनों को प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा साइन ए इंटू, नहीं घूमने नहीं गया था, केजरीवाल के रैली में गया हुआ था जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए। वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। अब क्या देख पा रहे हैं, ये कॉस स्क्वायर और ये कॉस जाएगा भाई साहब, ये और ये भी जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास साइन ए इंटू कॉस ए, रैली से वापस आ गया। चलिए अब हम लोग दोबारा इसमें लेके चलते हैं, किसका आर एच एस क्या है, वन बाय टेन ए प्लस कॉट ए ऐसा कुछ है। तो हम लोग वन बाय ये टेन ए को लिखेंगे साइन ए बाय कॉस ए प्लस, और कॉट ए को लिखेंगे कॉस ए बाय साइन ए, कोई दिक्कत। अब ये वन बाय फिर से क्या बन जाएगा, इसको एडिशन ऑफ फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, तो ये साइन ए इंटू कॉस ए इसका एलसीएम हो जाएगा, और कॉस ए डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास बचेगा साइन, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस सेम साइन साइन कट जाएगा, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो फार्मूला बार बार विनोद को फार्मूला लिखना पड़ रहा है, क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है वन होता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे वन बाय साइन ए इंटू कॉस ए, और इसको क्या लिखेंगे वन इंटू, ये जो वन बाय साइन ए इंटू कॉस ए है इसको लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस ए बाय वन, यानी कि ये इक्वल टू हो जाएगा, अरे क्या क्या गलती हो रहा है, साइन ए इंटू कॉस ए, यानी कि यहाँ क्या आ गया साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ पे भी क्या आ गया साइन ए इंटू कॉस ए, क्या लिखेंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चंस भी आपका बन गया, कितना नंबर 9 नंबर। बार बार कह रहे हैं विनोद क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है, नहीं नहीं क्वेश्चन याद हो रहा है, क्वेश्चन याद नहीं कर रहा, फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, दिक्कत हो जाएगा ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाय वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस टेन ए बाय वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। इसमें दो क्वेश्चन हैं, दोनों को देखेंगे। तो हमने दोबारा आपके लिए हम फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए एंड वन प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, इसको यूज किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हाँ फिर से वही बात, फॉर्मूला लर्न नहीं हो रहा है। तो एल एच एस इसका लेके चलते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाय वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए बाय एंड वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। और इसे हम लिख सकते हैं कैसे, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर ए इंटू वन बाय कॉसेक स्क्वायर ए, क्या विनोद बार बार लिखें क्या, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू लिखेंगे वन बाय कॉस स्क्वायर ए और वन बाय कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। तो चलिए इसको हम लोग दोबारा इसमें पुट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा वन बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और इज इक्वल टू क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, क्यों विनोद साइन ए बाय कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है टेन ए होता है, इसलिए। तो ये आपका हो गया। अब दूसरा को लेके चलते हैं, फिर से वन माइनस टेन ए बाय वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला भाई साहब है वो तो ऊपर वाले हैं ना,
टेन ए ओ वैसे ही रहेगा, नीचे वाले को परिवर्तन करना पड़ेगा। कैसे? बेचारा हमारे देश के जनता परेशान है, खास करके बिहार की जनता तो और ज़्यादा परेशान है। परेशान है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, क्योंकि बाबू नीतीश कुमार नहीं चचा नीतीश कुमार हैं, कभी मोदी जी के साथ में कभी लालू जी के साथ में। अब वो बेचारा जनता कन्फ्यूज, नीतीश कुमार के समर्थक कि किसका गुणगान गाएं। दो सुबह में लालू मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद करता है, पता चला नीतीश कुमार शाम में लालू जी के साथ में। अब जिससे सुबह में झगड़ा कर रहा था कि नहीं मोदी जी बढ़िया, लालू जी बढ़िया नहीं है, अब शाम में उसको अरे यार दिक्कत हो गया, नहीं नहीं लालू ही बढ़िया है, मोदी बढ़िया नहीं है। तो इसलिए नीतीश कुमार का जनता परेशान है यार यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे इसको बदलना पड़ेगा, नीचे वाले को ही बदलना पड़ता है। तो नीचे में क्या है यहाँ पे आपका, वन माइनस ये कॉट ए को लिख सकते हैं वन बाय टेन ए, और पूरा पे स्क्वायर तो है ही, देख रहे हैं आप। अब क्या करते हैं, ये वन प्लस टेन ए बाय, इसको हम सब्सट्रैक्शन और फ्रैक्शन फाइन करेंगे, नीचे क्या आएगा टेन ए, ठीक है, और ये हो जाएगा टेन ए माइनस वन, क्या बन जाएगा ये टेन ए माइनस वन, और ये पूरा पे स्क्वायर हो जाएगा। हम दोबारा यहाँ से शुरू करते हैं, अब क्या हो जाएगा इसको यदि हम लोग करते हैं, वन प्लस टेन ए क्या होगा, वन प्लस टेन ए, और इनटू में ये टेन ए माइनस वन, ओ कुछ गड़बड़ कर दिए, माइनस था तो यहाँ माइनस होगा ना भाई साहब, नीतीश लालू के चक्कर में हम भी घूम गए हैं, घूमना नहीं है यहीं रहना है, ठीक है, ये हो गया। और ये जो टेन ए माइनस वन बाय टेन ए था, ये बन जाएगा आपका टेन ए बाय टेन ए माइनस वन, और पूरा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा परिवर्तन है, इस यहाँ पे भी परिवर्तन है ना, बार बार कहते हैं चेंजिंग इज रूल ऑफ नेचर। तो यहाँ पे क्या है, टेन ए माइनस वन है, वन माइनस में है टेन प्लस में है, यहाँ पे वन माइनस टेन ए है, तो क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे हम, क्या लेंगे माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये भाई साहब जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये टेन ए माइनस वन एक साथ, और इनटू में हो जाएगा टेन बाय टेन ए बाय टेन ए माइनस वन माइनस वन, और इन यहाँ पे हम ये ब्रैकेट को इस्तेमाल करेंगे और पूरे पे स्क्वायर हो जाएगा ये। अब क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये गया, अब क्या बच गया माइनस टेन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, यानी कि इज इक्वल टू क्या हो गया ये आर एच एस प्रूव्ड। तो फाइनली आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। तो आज आपने देखा कि हमारे यहाँ कौन कौन कहाँ कहाँ क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, विनोद को भी फॉर्मूला नहीं हो रहा है, इसलिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। नीतीश कुमार, लालू यादव, मोदी जी ऐसे ही चलते रहेंगे, परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो उसको उससे घबराना नहीं है, बस आप थोड़ा साइड हो जाते हैं लेक्चर के चक्कर में फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप सवाल को लिखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, फाइनली आज ट्रिग्नोमेट्री आज आपका कंप्लीट हो गया है। अब ट्रिग्नोमेट्री के हर एक प्रॉब्लम्स को हम देख लिए, हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया बोर्ड पे, जितने वीडियो है सारे वीडियो में, और हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चंस को आज आपका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम आपके साथ मिलने आ रहे हैं, फिर से मिलते हैं हम आपसे किसके साथ में, हाइट एंड डिस्टेंस को लेकर के, क्या लेके आएंगे हाइट एंड डिस्टेंस। हाँ, और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, बहुत अच्छा लगता है, आप अपना प्यार बनाए रहें, और डेयरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।